बात करने वाले हैं 90 के दशक के दौर की मशहूर अभिनेत्री जिनका हर कोई दीवाना था, जिन्होंने अपनी अदाकारी और सुंदरता से लोगों का दिल लुभाया और इन्हें अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्रियों में गिना जाता था, जिन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखते ही एक अलग पहचान बनाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की, जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और लोकप्रियता हासिल की। लेकिन आप सभी मीनाक्षी के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं? इनकी फैमिली में कौन कौन है, कैसे दिखते हैं? तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दमदार अभिनेत्री के परिवार के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भारतीय फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 में हुआ। इनके पिता का नाम पेंतो शेषाद्री है और इनकी मां का नाम कनम सुंदरी है, जो एक गृहिणी। इनके भाई का नाम शेखर, जो एक बॉलीवुड इंडस्ट्री का चकाचौंध से बहुत दूर हैं। तो इनके परिवार के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं इस अभिनेत्री की फिल्मी करियर की। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1983 में आई फिल्म पैंटर बाबू से की। फिल्म तो इतनी हिट नहीं रही, पर इस फिल्म के बारे में इन्हें इंडस्ट्री में पसंद किया जाने लगा और इसी के बाद इनकी लाइफ में स्टारडम आ गया और एक के बाद एक फिल्म मिलने लगी इन्हें। नायक आंधी तूफान, होशियार, मेरा जवाब, गंगा जमुना सरस्वती जैसी सुपरहिट फिल्मों में देखा गया। इनकी आखिरी फिल्म है दामिनी। इस फिल्म के बाद से इन्हें किसी भी और फिल्म में नहीं देखा गया, क्योंकि इसी फिल्म के बाद इन्हें बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सोनू के साथ रिलेशनशिप में होने की खबरें सामने, इसी वजह से इन्हें फिल्म मिलना बंद हो गई। इसी के बाद इन्होंने 1995 में हरीश मौसूर के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली, जो पेशे से एक USA इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। इनमें से उन्हें दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम जोश मैसूर है और बेटी का नाम केंद्र मैसूर। ये अपने दोनों बच्चे से बेहद प्यार करती हैं और इनकी बेटी केंद्र मैसूर अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको अभिनेत्री मीनाक्षी के परिवार के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।